हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आरपीसी द्वारा आयोजित सेट एग्जाम 2013-2014 का पेपर फेस्ट। 26 मार्च 2023 को राजस्थान में सेट आयोजित होने वाला है, इसके साथ ही एमपी में भी सेट आयोजित होने वाला है, साथ ही नेट का पेपर जून और दिसंबर में प्रस्तावित है। तो सेट और नेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पेपर फेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना आवश्यक है। तो पेपर फेस्ट में टोटल 10 यूनिट होती है और प्रत्येक यूनिट से 5 सवाल आते हैं, तो कुल मिला के 5 × 10 यानी कि 50 सवाल आते हैं और सभी के सभी सवाल करने अनिवार्य है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। जब यह पेपर 2014 में आयोजित हुआ था तो इसमें 10 यूनिट में से इस प्रकार इनका वितरण था। टीचिंग एप्टीट्यूड से 6 सवाल आए थे, रिसर्च एप्टीट्यूड से 6 सवाल आए थे, साथ ही पैसेज से 4, कम्युनिकेशन से 2, मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग से 16 सवाल आए थे, साथ ही डेटा इंटरप्रिटेशन से 6 और आईसीटी से 6, एनवायरनमेंट से 6 और हायर एजुकेशन से 8 सवाल आए थे। कुल मिला के लगभग पेपर बैलेंस था। एक कम्युनिकेशन से केवल 2 सवाल आए थे, बाकी लगभग सभी यूनिट को अच्छा वेटेज दिया गया था। उस समय इस पेपर में 60 सवाल में से 50 सवाल चूज करने थे और समय था 75 मिनट। वर्तमान में यह समय 60 मिनट है और हमें 50 में से 50 सवाल करने। तो हम पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य है? तो हम पहले चारों ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है सिलेबस से संबंधित सूचनाएँ देना, दूसरा ऑप्शन है छात्रों को नोट्स लिखवाना, तीसरा ऑप्शन है छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, चौथा ऑप्शन है छात्रों को एग्जाम के लिए तैयार करना। तो ये जो चारों के चारों जो ऑप्शन है, ये चारों के चारों टीचिंग के ऑब्जेक्टिव है, पर इनमें सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, उनकी थिंकिंग पावर का विकास करना। जैसे ही चिंतन शक्ति का विकास होगा वो आगे सोच पाएंगे, किसी भी चीज़ को पढ़ने पर वो आसपास की चीज़ों से उस कॉन्सेप्ट को कोरिलेट कर पाएंगे, जीवन में जो पढ़ रहे हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, किसी भी कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाएंगे, साथ ही स्व अध्ययन भी कर पाएंगे। तो जो थिंकिंग पावर डेवलप करना, ये सबसे मेन उद्देश्य होता है। दूसरा सवाल है कि आप अपने करियर में टीचिंग जॉब क्यों चूज करना चाहते हैं? तो अगर इसके 3 ऑप्शन आसानी से हम एलिमिनेट कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड से हम ऑब्जेक्टिव सवाल आसानी से कर पाते हैं, जैसे कि टीचर्स को कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये भी गलत है, टीचर्स को कम परिश्रम करना पड़ता है, ये भी गलत है, टीचर्स के पास अधिक खाली समय होता है तो उसके पास अधिक खाली समय नहीं होता है, तो ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और जो हमारा सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन बचता है वो है कि टीचिंग जॉब इज रेस्पेक्टेबल एंड चैलेंजिंग। तो यह सबसे ज़्यादा सम्मानजनक है, साथ ही चुनौतीपूर्ण है, ये इसका राइट आंसर होगा। तीसरा सवाल है, इफेक्टिव टीचिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है, एसेंशियल नहीं है? तो इनमें से जो नेसेसरी कौन सी विशेषता नहीं है, तो अगर चारों ऑप्शन देखें तो उसमें भाई नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज जरूरी है। अगर मैं आपको कोई विषय पढ़ा रहा हूँ तो उस विषय की मेरे को समझ नहीं है तो वो विषय मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। दूसरा है कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर, आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। एक ऑरेटर को, एक टीचर को आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो बोल भी नहीं पाएगा। तीसरा ऑप्शन है गुड नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट, तो सभी सब्जेक्ट का ज्ञाता होना ज़रूरी नहीं है, केवल उसी विषय का ज्ञाता होना जरूरी है टीचर को जो वो पढ़ा रहा है, सारे सब्जेक्ट का ज्ञाता होना टीचर को ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शन हट जाएगा। चौथा है नॉलेज ऑफ क्लास मैनेजमेंट एंड टीचिंग मेथड, तो क्लास का मैनेजमेंट करना भी ज़रूरी होता है, तो इसमें क्या ज़रूरी नहीं है? तीसरा ऑप्शन सारे सब्जेक्ट का ज्ञान जरूरी नहीं है। चौथा सवाल है कि टीचिंग एड्स यानी शिक्षण सहायक सामग्री होती है, वह टीचर को किस में मदद करती है? तो जो एड्स होते हैं, टीचिंग एड्स होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऑडियो एड्स होते हैं, विजुअल्स एड्स होते हैं, साथ ही साथ ऑडियो विजुअल्स एड्स होते हैं। जैसे मैं आपको कोई चार्ट के माध्यम से, कोई ग्लोब के माध्यम से
आपको कुछ समझा रहा हूँ, तो इसकी टीचिंग एड्स की वजह से कुछ मैं जो पढ़ा रहा हूँ फिनोमिना वो इंटरेस्टिंग बन जाता है, वो रुचिकर बन जाता है, आप उसे इंटरेस्ट से लेके देख पढ़ते हैं। जैसे मैं कोई वीडियो क्लिप चला के कोई फिनोमिना बता रहा हूँ तो वीडियो क्लिप के माध्यम से आप ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, ज़्यादा आपको रुचिकर लगता है। तो इसका सबसे राइट आंसर होगा मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग। तो इससे टीचिंग क्या हो जाती है, रुचिकर हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब जो इसके तीन ऑप्शन हैं वो बिल्कुल हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि पाठ को सजाने में बिल्कुल भी नहीं, स्वयं की साख बढ़ाने में बिल्कुल भी नहीं, टाइम पास करने में बिल्कुल भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पहला। पांचवा सवाल है कि कौन सा विकल्प शिक्षक के कार्य को नहीं दर्शाता। तो हम चारों विकल्प पे अगर नज़र डालें तो जो पहला ऑप्शन है कि भाई लर्निंग को सुगम बनाना, तो ये भी कार्य है। मैनेजिंग इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज, ये भी कार्य है। तीसरा है पाठ्य क्रियाओं का समन्वय, ये भी कार्य है। जो चौथा ऑप्शन है छात्रों का मनोरंजन करना, तो छात्रों का मनोरंजन करना ये टीचर का कार्य नहीं होता है, ये हम आसानी से चूज कर सकते हैं। छठा सवाल है टीम टीचिंग इन्वॉल्व ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो टीम टीचिंग में इनमें से क्या शामिल नहीं है। तो टीम टीचिंग में क्या होता है, एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, तो जो स्टूडेंट्स का बड़ा ग्रुप होता है उनको एक टीचर्स की टीम पढ़ाती है, और उन टीचर्स की टीम में एक जो टीचर होता है वो होता है मास्टर टीचर होता है। साथ ही वो सब प्लान करते हैं कि भी इन्हें कैसे पढ़ाया जाएगा, और प्लान करते हुए समय का पूरा पूरा उपयोग किया जाता है, टीचर्स का भी पूरा पूरा उपयोग किया जाता है, और साथ ही जो मेथड्स है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं ताकि जो स्टूडेंट है वो आसानी से सीख सके। तो इसमें मेथड्स की फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है। तो अगर इनके चारों ऑप्शन में देखें तो मास्टर टीचर वो भी एसेंशियल है, ग्रुप ऑफ टीचर्स तो पूरी टीम है ये भी ज़रूरी है, ग्रुप प्लानिंग ये भी ज़रूरी है। जो तीसरा ऑप्शन है इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेथड, यह गलत होगा क्योंकि जो मेथड की है वो फ्लेक्सिबिलिटी ली जाती है। तो ये छः सवाल थे, ये टीचिंग से संबंधित थे। अगले छः सवाल है वो रिसर्च मेथडोलॉजी से संबंधित है। तो सातवां सवाल है उसमें पूछा गया कि ज्ञान की खोज कहाँ की जाती है, या सर्च फॉर नॉलेज है वो कहाँ किया जाता है। तो जो रिसर्च का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सर्च फॉर नॉलेज या ज्ञान की खोज। तो रिसर्च है वो लाइब्रेरी में की जाती है, फील्ड में भी की जाती है, और लेबोरेटरी में भी की जाती है। लाइब्रेरी में हम पुराने ग्रंथ हैं उनका कोई अगर सार निकाल रहे हैं, उनका अर्थ निकाल रहे हैं, या फिर जो बुक्स है उनके द्वारा हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं तो रिसर्च किया जाता है। दूसरा फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में हम कोई भले ही गरीब लोग हैं उनके डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, कोई वोटर्स है उनके डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर कोई और व्यक्ति है उनका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो डेटा इकट्ठा हम फील्ड से करते हैं। साथ ही लेबोरेटरी के अंदर हम कोई जैसे कोई प्रदूषित पानी लेके आए हैं तो वो प्रदूषित पानी को टेस्ट करते हैं कि भाई इसमें कितना प्रदूषण है किसी भी पानी में, तो लेबोरेटरी में भी रिसर्च की जाती है। तो तीनों जगह रिसर्च की जाती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल द अबव सभी। तो आठवां सवाल है कि निम्न में से कौन सा रिसर्च का मुख्य उद्देश्य है। तो अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो जो तीसरा ऑप्शन है जेनरेटिंग न्यू प्रिंसिपल और थ्योरीज, ये रिसर्च का मुख्य उद्देश्य होता है, कोई भी नई थ्योरी बनाना, नए प्रिंसिपल बनाना। हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो हमारा जो कंक्लूजन निकलता है उस कंक्लूजन के द्वारा एक नई थ्योरी बनती है, भले वो सोशल में बने या फिर साइंस में बने, हमारे जो रिजल्ट आते हैं उसके द्वारा नई थ्योरी बनती है या नए प्रिंसिपल्स बनते हैं, यह मुख्य उद्देश्य होता है। बाकी सारे के सारे भले डेटा कलेक्शन है या फिर फाइंडिंग्स की इवेल्यूशन है, ये सब गौण उद्देश्य है। जो हमारा मेन उद्देश्य होता है वो है थ्योरेटिकल नॉलेज को बढ़ाना, यानी कि कोई नए प्रिंसिपल और थ्योरीज को जेनरेट करना। अगला सवाल है नवा, रैंडमाइजेशन है जो किसको समाप्त करता है। तो रैंडमाइजेशन सैम्पलिंग के अंदर एक टेक्निक है जो रैंडम सैम्पलिंग के अंदर की जाती है। रैंडम सैम्पलिंग में हम कोई भी जो पॉपुलेशन है हमारी, इस पॉपुलेशन में से हमें कोई सैम्पल चूज करना है, तो सैम्पल चूज करते वक्त हमारे अंदर कोई बायस नहीं हो। जैसे मेरे को कोई 33 जिले हैं राजस्थान में, उन 33 जिलों में से कोई जिला चूज करना है सैम्पलिंग के लिए, तो
हो सकता हो मैं वो ज़िला चूज़ करूं कि भाई मेरा ज़िला है तो मैं आसानी से वहां जा सकता हूं तो चूज़ करूं, तो उसमें क्या है, बायस है, ह्यूमन बायस है, मानव पक्षपात है। उस पक्षपात को ख़त्म करने के लिए मैं 33 ज़िलों की इसमें पर्चियां डाल देता हूं और रैंडमली एक सैंपल चूज़ कर लेता हूं लॉटरी के द्वारा। तो इससे क्या होगा, कोई भी पक्षपात नहीं होगा, 33 जिलों की भी आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी वो समान रहेगी और कोई एक जिला चूज हो जाएगा। तो ये सैम्पलिंग में किया जाता है और सैम्पलिंग का डिटेल वीडियो है वो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करें। उसमें से जो इस पेपर में 3 सवाल आए हैं ये रैंडमाइजेशन का है, दूसरे 2 सर्वे के आए हैं। अगला सवाल है 10वां, 10वें में पूछा गया है कि लार्ज सैंपल होने पर रिसर्च में हम कौन सा जो मेथड है वो हमारे लिए सूटेबल होगा। तो इसमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा वो होगा सर्वे। अगर हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन लेते हैं तो वो हमारा कहलाएगा सेंसस सर्वे। तो सेंसस सर्वे में भी क्या होता है, हमारे पास जो सैंपल साइज है वो बहुत बड़ी है और हम हर व्यक्ति का डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे कि सेंसस सर्वे है जो कि जनगणना में किया जाता है, सेंसस में किया जाता है। इसके अलावा अगर पूरी पॉपुलेशन का नहीं करना हो तो हम सैंपल सर्वे करते हैं। अगर दूसरे ऑप्शन पे नज़र दौड़ाएं तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड में एक्सपेरिमेंट करते हैं, केस स्टडी मेथड में एक यूनिक केस को लेके उसकी स्टडी करते हैं, और चौथे में सुपरवाइज स्टडी में सुपरविजन में स्टडी की जाती है। तो ये 3 गलत है और जो हमारा राइट आंसर होगा वो है 3रा, सर्वे मेथड, जो कि लार्ज सैंपल के लिए उपयुक्त है। यह भी सैंपलिंग से आया है तो वो सैंपलिंग वाला वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 11वां सवाल है कि एक प्रोजेक्ट थ्योरेटिकल रिसर्च से किस प्रकार भिन्न होता है। तो जो प्रोजेक्ट होता है वो अप्लाइड रिसर्च होता है, यानी कि प्रोजेक्ट एक प्रकार से अप्लाइड रिसर्च का ही भाग है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें तो जो प्रोजेक्ट टाइगर, अब प्रोजेक्ट टाइगर में क्या होता है कि जो हमारा थ्योरेटिकल जो नॉलेज होता है वो थ्योरेटिकल नॉलेज हम अप्लाई करते हैं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर हम टाइगर के कंजर्वेशन के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए जो हमारे रिसर्च के डेटा होते हैं उन डेटा को अप्लाई किया जाता है। थ्योरेटिकल रिसर्च में केवल क्या होता है, डेटा का कलेक्शन होता है, उसको राइट करके एक नई थ्योरी बना दिया जाता है पर उनको अप्लाई नहीं किया जाता। पर अप्लाइड रिसर्च में डेटा का कलेक्शन भी किया जाता है, थीसिस को राइट भी किया जाता है और उनको अप्लाई भी किया जाता है। तो इसमें अगर 4 ऑप्शन में देखें तो राइटिंग फॉर्मेट में लिखे जाते हैं सारे डेटा, डेटा कलेक्शन डेटा इनमें भी किया जाता है, जैसे अप्लाइड रिसर्च में प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर कैमरा ट्रैप से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स, तो फाइंडिंग्स की एप्लीकेबिलिटी है वो थ्योरेटिकल रिसर्च में नहीं होती पर अप्लाइड रिसर्च में उनकी एप्लीकेबिलिटी होती है। चौथा मेथडोलॉजी उसमें भी होती है, मेथडोलॉजी इसमें भी होती है। तो प्रोजेक्ट है वो थ्योरेटिकल रिसर्च से एप्लीकेबिलिटी में डिफरेंट हुआ। अगला सवाल है 12वां, 12वें सवाल में पूछा गया है कि 2010 में जो भारत सरकार ने जनगणना करवाई थी, सेंसस करवाई थी, वो किस प्रकार का रिसर्च मेथड है। जो 10वां सवाल था वही एक तरह से रिपीट है, उसमें लार्ज सैंपल पूछा गया था और जो सर्वे था तो सर्वे में हमने बात की थी सेंसस सर्वे की, सेंसस यानी जनगणना, तो सेंसस सर्वे यानी ये क्या हुआ, सर्वे मेथड। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 2, सर्वे मेथड सही होगा, हिंदी में कहें तो सर्वेक्षण। तो रिसर्च के 6 सवाल पूरे होते हैं। अगले जो 4 सवाल है वो पैसेज पर आधारित है। तो जो पैसेज दिया गया है यह पैसेज भारतीय जो परिवार है, इंडियन जो फैमिली सिस्टम है उस पर आधारित है। तो नॉर्मल सवाल है, आप पढ़ोगे तो चारों के आसानी से उत्तर दे सकते हो। जैसे कि 13वां सवाल पूछ रहा है कि इस पैसेज में जो मेन टॉपिक है वो क्या है, उसमें क्या डिस्कस किया गया है। तो इसमें जो गहन पारिवारिक मूल्य है उन पर बात की गई है। तो अगर पैसेज में इसका देखेंगे तो डीप रूटेड फैमिली जो वर्ड है वो साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है गहन पारिवारिक मूल्य। 14वां सवाल है, उसमें पूछा गया है कि परिवार के कल्याण के लिए कौन योगदान देता है, सर्वाधिक उपयुक्त को चुनिए।
परिवार के योगदान के लिए पूरा परिवार योगदान देता है। इसमें संयुक्त परिवार की भी बात की गई है, तो संयुक्त परिवार में सब मिलजुल के काम करते हैं और सब योगदान देते हैं, इसलिए जो समस्त परिवार है वो इसका राइट आंसर होगा। और 15वें सवाल में पूछा गया है कि भारतीय परिवार में कौन त्याग करता है, सेक्रीफाइस कौन करता है, तो संयुक्त परिवार में सब लोग सेक्रीफाइस करते हैं एक दूसरे के लिए। माता पिता भी करते हैं, भाई भी करते हैं, बहन भी करती है, सारे लोग सेक्रीफाइस करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परस्पर, जो आपस में सेक्रीफाइस करते हैं। अगला सवाल है 16वां, तो 16वें में भारतीय परंपरा में जो मैरिज है वो क्या कहलाता है, जो विवाह है वो क्या कहलाता है। विवाह एक पवित्र बंधन कहलाता है, वो सीधा सीधा पैसेज में लिखा हुआ है। तो जो चार सवाल है वो पैसेज से पूछे गए थे। अगर आपके जो एग्ज़ाम में आएगा वो लगभग पैसेज पूछा जाएगा, पांच सवाल पूछे जाएंगे, पांच सवाल में से एक सवाल है वो या तो वोकैब पे होगा और या फिर उस थीम का निचोड़ क्या है उस पर होगा, बाकी चार सवाल है वो सीधा पैसेज पढ़ने से आप आसानी से उत्तर दे सकते हो। अब पैसेज है उसका जो आंसर है वो हमें थोड़ा शुरुआत में कर देना चाहिए, वरना हमारे पास समय नहीं होता और हम पैसेज नहीं पढ़ पाते तो आसानी से उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो जो पैसेज वाले सवाल है या रीजनिंग के सवाल है या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल है, इनके जो हम उत्तर देते हैं तो हमें हाथों हाथ पता चल जाता है कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं है। तो ऐसे सवालों के जो उत्तर है वो पहले देने चाहिए, और टाइम का मैनेजमेंट है वो इस पेपर में अति आवश्यक है। टाइम को देखते हुए सारे उत्तर करने चाहिए। हमारे पास समय कम हो और ज़्यादा उत्तर देने तो लास्ट में तुक्के भी लगाने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगले जो दो सवाल है वो कम्युनिकेशन पे आधारित है। तो 17वां सवाल है, उसमें पूछा गया है कि कम्युनिकेशन किसके थ्रू किया जाता है। तो कम्युनिकेशन है वो वर्बली भी किया जाता है और नॉन वर्बली भी किया जाता है। अब वर्बल की बात करें तो जो वर्बल शाब्दिक है वो शाब्दिक या तो ओरली किया जाता है और या फिर रिटर्न किया जाता है, यानी कि जो शब्द है या तो मैं बोल के आपको आप तक कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ या फिर मैं लिख कर आप तक कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, मैं बात कर पा रहा हूँ, मैं संप्रेषण कर पा रहा हूँ। अगर नॉन वर्बल की बात करूँ तो नॉन वर्बल में जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है वो भी आप तक कम्युनिकेट कर पाती है। जैसे कोई साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, मैं पूछता हूँ आपने खाना खाया, तो आप अपनी मुंडी हिलाते हैं कि मैंने खाना नहीं खाया, तो आपकी मुंडी हिलाने भर से मुझे पता चल गया कि आपने खाना नहीं खाया। तो इस तरीके से हम नॉन वर्बली भी हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो कम्युनिकेशन ओरली भी किया जाता है, राइटिंग के थ्रू भी किया जाता है, साथ ही साथ जो जेस्चर्स है, जो मेरे हाथों का मूवमेंट है और फेशियल एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन से भी कम्युनिकेशन आसानी से होता है। किसी का चेहरा उतरा हुआ होता है तो आप कहते हो कि तुम उदास क्यों, तो आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन को पढ़ लेते हो, तो ये भी एक प्रकार से कम्युनिकेशन हुआ। तो उपरोक्त सभी उपायों से आप कम्युनिकेट कर पाते हो। अगला सवाल है 18वां। 18वें सवाल में पूछा गया है कि कम्युनिकेशन किस लिए ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन जो आवश्यक है वो सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए भी है, कोई खुद को एक्सप्रेस करना चाहता है तो उसके लिए भी आवश्यक है, ट्रेड और कॉमर्स के लिए भी आवश्यक है। आप व्यापार करते हो तो एक शॉपकीपर हुआ और एक ग्राहक हुआ, तो उन दोनों के बीच में जो बातचीत होगी वो कम्युनिकेशन के थ्रू होगी। और तीसरा रूटीन एक्टिविटी, आप रोज़मर्रा के जो काम करते हो उसमें भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है। तो इन तीनों में ही ज़रूरी है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चौथा, उपरोक्त सभी। अगले जो सवाल है 19 से लेके 34 तक जो 16 सवाल है वो मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग दोनों से संबंधित है। जो 19वां सवाल है उसमें पूछी गई है सीरीज। तो सीरीज में आप सीरीज को पहले आपको गौर से देखना है ताकि आपको पैटर्न आइडेंटिफाई हो। तो मैं इस सीरीज को लिख रहा हूँ, पहला जो नंबर है वो हमारा 445 है, दूसरा 221 है, तीसरा 109 है, चौथा 46 है और पांचवा 25 है। तो इस सवाल में क्या पूछा गया है, इस सवाल में पूछा गया है इस सीरीज का
कौन सा पार्ट नहीं है, मतलब इस सीरीज का कौन सा सदस्य है वो इस सीरीज का पार्ट नहीं है। तो अगर इस सीरीज को आप गौर से देखते हो तो थोड़ा थोड़ा लगता है कि एक तो सीरीज में क्या है, जो अंक है वो कम होते जा रहे हैं, दूसरा एक अंक कम होते जा रहे हैं वो आधे होते जा रहे हैं, लगभग लगभग ऐसा लग रहा है कि आधे होते जा रहे हैं, 400 का 200, 200 का 100, 100 का 50 के नज़दीक, 50 का 25 के नज़दीक, पर एग्जैक्टली आधा नहीं होते हो पा रहे हैं। तो हम पहले देखते हैं कुछ न कुछ संबंध तो लग रहा है। तो 445 का आधा होता है 222.5, तो 222.5 से 221 कितना कम है, डेढ़ का अंतर है। 221 का आधा होता है 110.5, 110.5 का 5 से 109 कितना अंतर है, डेढ़ का। अब 109 का आधा कितना होता है, 109 का आधा होता है 54.5, 54.5 में से अगर डेढ़ निकालें तो हमारे पास कितने बचने चाहिए, 53 बचने चाहिए, और 53 का आधा करें तो 53 का आधा होता है 26.5, इसमें से डेढ़ घटाएं तो 25 बचता है। तो यहाँ पे जो अंक है वो 53 आने चाहिए थे, उसकी जगह 46 लिखा है, तो ये मेंबर इस सीरीज का पार्ट नहीं है, तो हमारा उत्तर होगा 46। जो अगला सवाल है वो है 20वां। 20वें सवाल में पूछा गया है कि इस सीरीज में जो मिसिंग नंबर है वो कौन सा होगा, तो हम सीरीज लिखते हैं 0, 6, 20, 40 और हमारा अज्ञात नंबर है, हमें अज्ञात नंबर ज्ञात करना है। तो इस सीरीज को हम गौर से देखते हैं तो सीरीज हमें बढ़ती हुई नज़र आती है। तो पहले तो हमारा जो डिफरेंस है वो 6 का है, फिर 14 का है, फिर 22 का है, तो अगला डिफरेंस क्या होगा। तो अब हम डिफरेंस को गौर से देखें तो 6 से 14 डिफरेंस हुआ, मतलब कितने का बढ़ोतरी हुई, वो हुई 8 की। 14 से 22 का डिफरेंस हुआ, बढ़ोतरी कितनी हुई, 8 की। तो 22 में 8 और जोड़ेंगे यानी बढ़ोतरी कितनी होगी, 30 की। तो 30 का डिफरेंस अगली संख्या में होगा, वो कितना होगा, 42 + 30 यानी कि 72 हमारा आंसर होगा। तो पहला नंबर ऑप्शन 72। 21वां सवाल है कि किसी कोड लैंग्वेज में सिंडिकेट को SYTENDCAI लिखा जाता है, तो साइकोटिक को क्या लिखा जाएगा। तो पहले हम कोड को समझते हैं और साइकोटिक को उसी कोड में लिखने का प्रयास करते हैं। तो सिंडिकेट का जो S और Y, जो पहला और दूसरा वर्ड है, उसको हूबहू लिखा गया है, तो अपन भी क्या करेंगे, इसी जो शब्द का हूबहू पहला और दूसरा शब्द लिख देंगे। तीसरा और जो चौथा वर्ड है वो शब्द के आखिरी दो वर्डों को लिया गया है, TE TE, तो इसके जो आखिरी दो वर्ड है वो हम तीसरा और चौथे अक्षर में लिखेंगे IC। पांचवा और छठा वर्ड है वो तीसरे और चौथे को लिया गया है, तो तीसरा और चौथा यहाँ पे क्या है, YC, तो ये हमारे बन जाएंगे पांचवें और छठे। और फिर सातवें नंबर पे जो अक्षर लिए गए हैं वो CA लिखे गए हैं, तो ये छठे और सातवें नंबर पे है, और छठे और सातवें पे यहाँ पे है OT, तो OT आ जाएंगे। और जो आखिरी वर्ड है वो पांचवा अक्षर है और यहाँ पे पांचवा अक्षर है H, तो ये जो वर्ड होगा वो हमारा कोड होगा। तो ये जो ऑप्शन है PSICYCOTH, ये हमारा चौथा ऑप्शन है, ये राइट होता है। अगला सवाल है 22वां। 22वें में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी मिरर इमेज है दर्पण में, वो समान दिखेगा, हूबहू वैसा दिखेगा। तो जो उल्टा सीधा समान होता है वो दर्पण में समान दिखता है, तो ऐसा जो शब्द है वो है AOVIVOA। इसमें जैसे A शुरू हो रहा है तो ये A आखिरी में, ये शीशे में पहले में आ जाएगा, O इधर शुरू हो रहा है तो O सेम है, V सेम है और I बीच में, तो ये शब्द उल्टा सीधा समान है। और जब ए वापस दिखता है वापस, तो ए बन जाता है, ओ भी वैसा ही बन जाता है, वी भी वैसा ही बन जाता है, आई भी वैसा ही बन जाता है। अगर दूसरे शब्दों की बात करें तो टर्मिनेट में आर कभी भी आर जैसा वापस मिरर में नहीं दिखेगा, आप मिरर में देखेंगे तो। फिर दूसरा शब्द है फिक्सिंग, तो फिक्सिंग में जो एफ है, F कभी भी मिरर इमेज में हूबहू ऐसा नहीं दिखेगा, F जैसा, ये उल्टा बन जाएगा। इसी प्रकार
चौथा शब्द है उसमें वी एच आर है, वापस आर आ गया, तो आर मिरर इमेज में सेम नहीं दिखेगा, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो तीसरा होगा ए ओ वी आई वी ओ ए, क्योंकि इसमें जो सारे शब्द हैं ए वापस ए जैसा दिखता है, ओ भी दिखता है, वी भी दिखता है और आई भी मिरर में सेम दिखता है। अगला सवाल है 23वां, 23वें में पूछा गया है कि जो आर्किटेक्ट है वो क्या बनाता है, बिल्डिंग, तो मूर्तिकार क्या बनाएगा, मूर्तियां, तो यहाँ मूर्तियों की जगह लिखा हुआ है प्रतिमा या स्टैच्यू, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रतिमा। तो मूर्तिकार ना तो म्यूजियम बनाता है, ना स्टोन बनाता है, ना सीजल बनाता है, वो क्या बनाता है, प्रतिमा, हमारा राइट आंसर हो गया प्रतिमा। अगला सवाल है 24वां, 24वें में पूछा गया है कि ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, तो निम्न में से कौन सा जोड़ा है वो सही होगा, तो ऊर्जा मापी जाती है जूल में साइंस में, तो एक्स को ग्राइंड में मापा जाए यानी कि कुल्हाड़ी को कूटने से मापा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा है अमीटर को मापा जाए करंट में, तो अमीटर तो डिवाइस है, डिवाइस को कैसे मापेंगे। तीसरा है पावर को मापा जाए एम्पियर में, तो पावर को एम्पियर में नहीं मापा जाता, एम्पियर है वो करंट को मापने की यूनिट है, तो पावर को मापा जाता है वाट या किलोवाट में, जैसे कि हमारे घर में जो बिजली आती है वो किलोवाट प्रति घंटा में मापी जाती है। चौथा है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, प्रतिरोध है वो ओम में मापा जाता है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा चौथा, प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है, जिस प्रकार ऊर्जा मापी जाती है जूल में। सवाल है 25वां, 25वें में पूछा गया है कि दी गई आकृति में त्रिभुज कितने, हमें त्रिभुजों की संख्या है वो गिन के बतानी है, तो इसमें हमें तीन वर्ग नजर आ रहे हैं, तो पहले वर्ग में हम देखते हैं त्रिभुज कितने हैं, तो इसमें जो छोटे त्रिभुज है ये छोटे वाला, एक दो तीन और चार, तो चार त्रिभुज इसमें हैं, चार इसमें हैं और चार इसमें हैं, टोटल कितने हुए 12। इसी प्रकार इन वर्गों में जो छोटे 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 के बाद ये बड़े त्रिभुज जो देख रहे हैं ये एक फिर दो फिर तीन फिर चार, तो प्रत्येक में कितने हैं चार चार, जो बड़े त्रिभुज है ये होंगे 12। फिर अब कॉमन जो त्रिभुजों की बात करें जो दो वर्गों के अंदर है, जैसे कि इससे भी बड़ा ये एक, फिर ये दूसरा दो, फिर उल्टे ये एक दो, तो दो खड़े हुए दो उल्टे, टोटल हुए चार, तो 12 प्लस 12 24, 24 और 4 28, हमारे पास टोटल त्रिभुज होंगे 28, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा। अगला सवाल है 26वां, 26वें में हमारे सामने दो स्टेटमेंट दिए हुए, उन स्टेटमेंट के आधार पे जो कंक्लूजन दिए हुए वो कौन कौन से सही है हमें पता लगाना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है सम बुक्स आर टेबल, कुछ पुस्तकें मेज है, तो कुछ बुक्स है वो क्या है मेज है, यहाँ जो ये पुस्तकों वाला पार्ट है कुछ क्या है टेबल है। दूसरा जो स्टेटमेंट कह रहा है वो कह रहा है कुछ टेबल है वो दर्पण है, तो कुछ टेबल का कुछ टेबल है वो क्या है मिरर या दर्पण है। अब इसी बात को हम दूसरे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कुछ जो बुक्स है वो क्या है टेबल और कुछ जो टेबल है वो है मिरर। अब ये जो मिरर है हो सकता है ये बुक्स को ओवरलैप करे, इस वाले पार्ट में बुक्स को ओवरलैप कर पा रही है और दूसरे वाले चित्र में बिना ओवरलैप कर पा रही, तो या तो ये चित्र होगा या ये होगा, यानी कि या तो हो सकता है ओवरलैप करे या नहीं करे। अब हम कंक्लूजन की ओर आते हैं, तो कंक्लूजन में कहा गया है कि सम मिरर्स आर बुक्स, सम मिरर्स आर बुक्स, अब ये वाली जो शर्त है वो इसमें तो पूरी हो रही है, सम मिरर्स आर बुक्स, तो इस वाले में पूरी हो रही है, पर इस वाले में सम मिरर और बुक्स बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही है, तो एक चित्र में या तो पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती। दूसरा जो कंक्लूजन लिखा हुआ है नो बुक इज मिरर, कोई भी बुक है वो मिरर नहीं है, तो पहले वाले पार्ट में हो सकता है कि भाई कोई भी जो बुक्स है वो मिरर नहीं है, तो पहले वाले में ये पूरी हो रही है। दूसरे वाले चित्र में नो बुक इज मिरर ये वाली पूरी नहीं हो रही, तो जो कंक्लूजन या तो पहला पूरा होगा और या फिर दूसरा पूरा होगा,
तो जो हमारा राइट आंसर होगा या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष सेकंड निकलता है कि दोनों शर्तें पूरी नहीं होगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कंक्लूजन या तो पहला सही होगा या फिर दूसरा सही होगा। इस कंडीशन में पहला ये वाला डायग्राम सही हो रहा है और इस कंडीशन में ये वाला सही हो रहा है, यानी कि दोनों कंक्लूजन में से कोई भी एक सही होगा, दोनों कंक्लूजन पूरे नहीं होंगे। अगले सवाल में चित्र दिया गया है और उस चित्र के आधार पर हमें 27वां और 28वां सवाल करना है। तो इसमें जो चित्र में दिया गया है कि भाई जो ये रेक्टेंगल है, आयत है, वो दिखाता है आर्टिस्ट को, जो कलाकार है उनको दिखाता है। जो त्रिभुज है वो त्रिभुज दिखा रहा है डॉक्टर्स को, और जो सर्कल है, वृत्त है, वो दिखा रहा है खिलाड़ियों को। तो हमारे सामने ये आकृति है, जिस वृत्त वृत्त में जो आएंगे वो होंगे प्लेयर्स, त्रिभुज में आएंगे वो होंगे डॉक्टर्स, और जो रेक्टेंगल में आएंगे वो आर्टिस्ट। अब कुछ है वो हो सकता है कॉमन आए, आर्ट इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है, मतलब वो दोनों हो सकते हैं। तो अगला सवाल है 27वां। तो 27वें में पूछा गया है भाई कौन सा अक्षर है जो खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है और उसके साथ साथ डॉक्टर भी है, मतलब तीनों हैं। तो त्रिभुज, वृत्त और साथ ही साथ आयत, ये तीनों जिसमें आ रहे हैं कॉमन है वो आकृति, आर्टिस्ट भी होगा, डॉक्टर भी होगा, प्लेयर्स भी होगा वो अक्षर। तो इसमें जो ई अक्षर है उसमें त्रिभुज भी आ रहा है, साथ ही त्रिभुज भी आ रहा है, वृत्त भी आ रहा है और आयत भी आ रहा है, मतलब इसका राइट आंसर होगा ई। ई आर्टिस्ट भी है, डॉक्टर भी है और खिलाड़ी भी है। 28वां सवाल में पूछा गया है कि कौन सा अल्फाबेट है वो आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ ही वो प्लेयर है, पर वो केवल प्लेयर है। तो आर्टिस्ट के साथ प्लेयर, तो पहले तो आर्टिस्ट ये वाला और इसमें प्लेयर्स है सर्कल, तो ये होगा एफ, क्योंकि वो ओनली बात कर रहा है। अगर उसके साथ साथ वो डॉक्टर भी बात करता तो ई आ जाता, तो केवल हमारा जो उत्तर होगा वो होगा एफ। अगला सवाल है 29वां। 29 में कुछ लेटर्स के ग्रुप्स दिए हुए हैं और एक ग्रुप है वो मिसिंग है, उसकी पहचान करनी है। तो हम पहले ग्रुप में देखें तो हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है, जैसे कि एम एन ओ होता है, फिर पी क्यू आर एस होता है, सीक्वेंस होती है। तो एक एक लेटर मिसिंग है, एम और ओ के बीच में एन मिसिंग है, ओ और क्यू के बीच में पी मिसिंग है, क्यू और एस के बीच में आर मिसिंग है। इसी प्रकार ए बी सी डी ई एफ जी, तो इसमें भी एक एक लेटर मिसिंग है। अगली सीरीज में देखें तो पी क्यू आर एस टी यू वी, क्यू एस यू, एक एक लेटर मिसिंग है। अब हम ऑप्शन में देखें, ऐसा ऐसा पैटर्न वाला हमें ग्रुप है वो छांटना है। तो पहला ग्रुप देखें, ई एफ जी एच आई, आई के बाद सीधा जे आ गया, कोई भी लेटर मिसिंग नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। दूसरे ऑप्शन को देखें, ई एफ जी एच आई जे के एल, दो लेटर आ गए बीच में, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। तीसरे ऑप्शन में जाएं तो के एल एम, एम के बाद सीधा एन आ गया, कोई लेटर मिसिंग नहीं है, इसलिए ये भी गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन चौथा होगा, फिर भी अभी चेक कर लेते हैं। डी के बाद में ई एफ जी एच आई जे, इसमें एक एक लेटर मिसिंग है, मतलब ये इस सीरीज से मैच करता है, तो सही उत्तर होगा डी एफ एच जे, चौथा ऑप्शन। अगला सवाल है 30वां। 30वें में परमानेंट को कोड में आर ई पी एन ए एम टी एन ई के रूप में लिखा गया है, तो डायरेक्शन को इसी कोड में कैसे लिखा जाएगा यह पूछा है। तो पहले हम कोड को डी कोड करते हैं। परमानेंट जो शब्द है इसमें देखें तो जो आर ई पी वर्ड है पहले तीन से आया है, तो मतलब इन तीन तीन के सेट उठाए गए। तो पी ई आर को आर ई पी उल्टा लिखा है, जो तीसरा है वो आ गया है पहले पे, दूसरा दूसरे पे, पहला आ गया है तीसरे पे। इसी प्रकार एन जो तीसरा है दूसरे सेट में वो आ गया है पहले पे, दूसरा दूसरे पे और पहला तीसरे पे। इसी प्रकार ई एन टी में भी यही पैटर्न लागू होता है। अब यही पैटर्न हम जो डायरेक्शन वर्ड दिया हुआ है इसमें दोहराते हैं, तीन तीन के सेट बनाते हैं पहले तो, और जो तीसरा वर्ड है वो पहला बन जाएगा आर आई डी, इसमें टी सी ई, फिर एन ओ आई।
और ये वर्ड हमारा होगा RIDTCENOI, दूसरा ऑप्शन होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा दूसरा। अगला सवाल है 31वां। 31वें में एक सीरीज दी हुई है, उस सीरीज में जो मिसिंग नंबर है वो हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम सीरीज के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सीरीज में कुछ जो नंबर है वो डबल हो रहे हैं और कुछ डबल नहीं हो रहे हैं, जैसे कि 4 का 8 है वो डबल हो रहा है, इसी प्रकार 12 का 24 है वो डबल हो रहा है, 36 का 72 है वो डबल हो रहा है, पर बीच में जो बीच वाले नंबर है उसमें नंबर जुड़ रहे हैं, 8 प्लस 4 12 हो रहा है, इसी प्रकार 24 प्लस 12 जुड़ रहा है। और अब जो हमें अगला पैटर्न है वो ज्ञात करना है, मतलब अल्टरनेट है, पहले से दूसरा वर्ड डबल हो रहा है फिर दूसरे के बाद तीसरे में 4 जुड़ रहा है, इसी प्रकार जो तीसरा है तीसरे से चौथा डबल हो रहा है, तो अल्टरनेट में क्या है जुड़ रहा है जो पिछले वाला नंबर है, इसी प्रकार 36 से 72 डबल हो रहा है तो पिछले वाला नंबर अब 36 जुड़ेगा, यहाँ 4 जो इससे पिछले वाला नंबर है वो जुड़ रहा है डबल के बाद में, इसमें भी डबल के बाद में पिछले वाला नंबर जुड़ रहा है तो इसमें भी डबल के बाद पिछले वाला नंबर जुड़ेगा, यानी कि 72 प्लस 36 बराबर हो जाएगा हमारा 108। तो हमारा जो आंसर होगा 108 चौथा नंबर आंसर। अगला सवाल है 32वां। 32वें सवाल में पूछा गया है कि इनमें से जो असंगत है वो पहचान करनी है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, पहला दिया हुआ है आयत, दूसरा दिया हुआ है वर्ग, तीसरा दिया हुआ है घन और चौथा दिया हुआ है त्रिभुज। तो इन चारों को अगर हम गौर से देखें, इन आकृतियों को हमें अगर हमें आकृतियाँ याद है तो हमें गौर करें तो बाकी सारी आकृतियाँ 2D है सिवाय घन की, घन में जो आकृति होती है वो होती है 3D, बाकी सब में लंबाई चौड़ाई यानी 2D सरफेस ही होती है, घन में 3D होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी होती है, तीनों होती है, इसलिए जो हमारा जो बेमेल ऑप्शन होगा वो होगा घन। अगला सवाल है 33वां। 33वें में जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से जो बेमेल जोड़ा है उसकी पहचान करनी है, जो असंगत है उसकी पहचान करनी है। तो बुक का पार्ट क्या होता है, पेज पार्ट होता है, बुक में पेज होता है, इसी प्रकार कार में क्या लगा होता है, पहिया लगा होता है, टेबल के अंदर ड्रॉवर होता है, पर लूम के अंदर कपड़ा नहीं होता, लूम के अंदर तारें हो सकती है, कपड़ा तो उसमें बुना जाता है, इसलिए जो बेमेल है वो चौथा ऑप्शन है, लूम के अंदर क्लॉथ लगा होता है। अगला सवाल है 34वां। 34वें में हमें जो असंगत है वो पहचानना है, तो इसमें जो 3 चीज़ें दी हुई है, चुकंदर, मूली और गाजर, ये तीनों तो है जड़ यानी कि रूट, जबकि पोटैटो यानी कि आलू, आलू है तना यानी कि स्टेम, इसलिए ये बेमेल है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आलू या पोटैटो, एक नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है जो ओजीव कर्व है उससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ओजीव कर्व जिसे संचयी बारंबारता वक्र भी कहते हैं उसकी सहायता से हम माध्यिका निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, डेसाइल भी निकाल सकते हैं और परसेंटाइल भी निकाल सकते हैं। जैसे ये हमारी CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है ऊपर की ओर और इस तरफ होती है वैल्यू। अब जैसे ही जो कर्व बनता है, जैसे कि हम जोड़ते जाते हैं संख्याओं को, तो जो हमारा कर्व है वो इस प्रकार बनता है। अब इस कर्व में जो हमारी अगर वैल्यू है वो 100 तक है, टोटल जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो 100 तक है, तो 100 में जो 50th वैल्यू होगी हमारी 100 है, तो जो 50th वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो हमारी मीडियन होगी, तो हम 50 को यहाँ क्रॉस करेंगे और जो जहाँ पे वैल्यू टच करेगी वो हमारी होगी मीडियन। इसी प्रकार हम डेसाइल की बात करें तो डेसाइल होता है 10वां हिस्सा, 10वें हिस्से को ज्ञात करने के लिए 100 में क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 10, तो CF में जो 10वां पार्ट होगा वो यहाँ टच करेगा तो ये हमारा होगा डेसाइल वैल्यू। इसी प्रकार परसेंटाइल वैल्यू होती है 1/100, इसमें 100 में भाग देंगे और पहली ये वो जो टच होगी वो होगी हमारी परसेंटाइल वैल्यू।
अब ये 100 टुकड़े हो जाएंगे, पहला परसेंटाइल, दूसरा परसेंटाइल, तीसरा परसेंटाइल, चौथा परसेंटाइल, इस प्रकार इसके 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसी प्रकार परसेंटाइल निकाला जाता है। तो ओजीव कर से हम तीनों ज्ञात कर सकते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है 36वां। 36वें में पूछा गया है कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो डेटा यूज होते हैं वो कहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक्सपेरिमेंटल है, तो डेटा कहाँ से होंगे, एक्सपेरिमेंट से प्राप्त होंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स पहला। अगला सवाल है 37वां। 37वें में पूछा गया है अगर ग्राफ के अंदर लीनियर रिलेशनशिप हो यानी सरल रेखीय संबंध हो तो ग्राफ कैसा होगा। तो रेखीय संबंध होता है यानी कि नाम से ही पता चल रहा है रेखीय है या लीनियर यानी कि सीधा है, तो जो ग्राफ होगा वो बनेगा सीधी रेखा में, सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन में। तो जो हमारा उत्तर होगा तीसरा, स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा। इसी प्रकार अगले सवाल की बात करें तो 38वां सवाल है स्कैटर डायग्राम है वो किस प्रकार का होता है। तो स्कैटर डायग्राम में क्या होता है, कोई भी जो हमारी वैल्यू होती है वो इस ग्राफ में क्या होती है, ऐसे बिखरी बिखरी होती है। अब इन बिखरी बिखरी वैल्यू से हम क्या करते हैं, एक इनको एडजस्ट करते हुए हम इनके मध्य मान की एक रेखा खींच लेते हैं और इससे जो हमारा सहसंबंध आता है उस सहसंबंध के आधार पे हम कैसा सहसंबंध है पता लगाते हैं। जैसे इस ग्राफ में हमें पॉजिटिव कोरिलेशन देखने को मिलता है, सकारात्मक सहसंबंध देखने को मिल रहा है। अब स्कैटर डायग्राम से हमने क्या यूज किया है, ग्राफ यूज किया है। तो यह कौन सी विधि हुई, ग्राफिकल विधि हुई। तो हमारा जो राइट आंसर होगा तीसरा, ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट कोरिलेशन। तो स्कैटर डायग्राम से हम क्या निकाल सकते हैं, कोरिलेशन निकाल सकते हैं, वो भी ग्राफिकल विधि से। अगर पहले ऑप्शन की बात करें मैथमेटिकल मेथड की, तो फॉर्मूले से जो निकालते हैं, इसमें स्पीयरमैन है और कार्ल पियर्सन है, इन दोनों विधियों से हम मैथमेटिकल विधि यूज करते हुए कोरिलेशन निकालते हैं। तीसरा पोजिशनल मेथड है, ये जनरली बायोटेक्नोलॉजी में जो डीएनए की पोजिशनिंग होती है उनकी उनके आधार पर कोरिलेशन निकालने के लिए होता है। तो जो हमारा राइट आंसर हो गया ग्राफिकल मेथड। अगला सवाल है 39वां। 39वें सवाल में पूछा गया है दो सिटियां दी हुई है, दो सिटियों की पॉपुलेशन दी हुई है, साथ ही वहां पे नंबर ऑफ डेथ्स दी हुई है यानी कि होने वाली मृत्यु दी हुई है। अब पूछा है कि कौन सी सिटी में मोर्टेलिटी ज़्यादा है। तो मोर्टेलिटी प्रति 1000 व्यक्तियों पे निकाली जाती है। तो पहली सिटी की पॉपुलेशन दे रखी है 60,000 और मृत्यु दे रखी है 1200, तो प्रति 1000 निकाली जाती है। यानी कि 120/6 यानी कि 20/1000, ये हमारी मोर्टेलिटी रेट निकली है, वो सिटी एक्स की निकली है। इसी प्रकार अगर वाई सिटी की बात करें तो वाई सिटी में जो मृत्यु है वो है 1150 और हमारी पॉपुलेशन है 55,000 इंटू 1000 होगा। तो इस प्रकार जो वैल्यू निकलेगी वो 20 से ज्यादा निकलेगी क्योंकि 55 दूने होते हैं 110। अगर 20 वैल्यू होती तो हमारी जो वैल्यू होती यहाँ पे 1100 होती, पर ये 1150 है, मतलब वाई सिटी की मोर्टेलिटी ज़्यादा है। तो जो हमारे ऑप्शन है उसमें पूछा गया है कि मोर्टेलिटी किसकी ज़्यादा है, तो वाई की ज़्यादा है। यहाँ लगभग 21-22 कुछ वैल्यू आएगी, वो 20 से ज़्यादा ही होगी। यहाँ 20/1000 है तो यहाँ से 20 से ज़्यादा होगी। अगला सवाल है 40वां। 40वें में पूछा गया है अगर कोई भी नो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हो तो ऐसा एसोसिएशन क्या कहलाएगा। तो नो कॉज यानी कारण प्रभाव संबंध बिल्कुल भी नहीं है तो रिलेशनशिप होगी वो होगी कोई भी सहसंबंध नहीं, कोई भी एसोसिएशन नहीं। तो तीन प्रकार के एसोसिएशन होते हैं, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है या नो एसोसिएशन होता है।
भ्रामक नाम का, कोई भ्रमित नाम का संबंध या इल्यूजनरी एसोसिएशन कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें नो कॉज है, मतलब जो हमारा जो एसोसिएशन होगा वो ना तो पॉजिटिव होगा और ना नेगेटिव होगा, मतलब नन ऑफ दी अबो होगा। भ्रामक नाम का भी कोई भी नहीं होता है। 41 से लेकर 46 तक यानी 6 सवाल आईसीटी से। तो पहला सवाल है 41वां। 41वें सवाल में पूछा गया कि आईसीटी की फुल फॉर्म ही क्या है, जो हमारी यूनिट है आईसीटी उसमें आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है। तो यह बिल्कुल सिंपल है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला सवाल है 42वां सवाल में पूछा गया है कि निम्न में से कंप्यूटर का पार्ट क्या नहीं है। तो सीपीयू कंप्यूटर का पार्ट है, इसी के साथ कीबोर्ड भी कंप्यूटर का पार्ट है, और इसी प्रकार मॉनिटर भी कंप्यूटर का पार्ट है। मॉनिटर जो हमें टीवी की तरह दिखता है, कीबोर्ड से हम इनपुट डालते हैं, और सीपीयू जो आजकल इनबिल्ट भी सीपीयू आते हैं, पहले अलग से यूनिट भी आती थी। जो तीसरा ऑप्शन है स्कैनर, वो कंप्यूटर के साथ नहीं आता है, वो अलग से डिवाइस होती है। तो हम स्कैनर को कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं, पर वो जनरली कंप्यूटर का पार्ट नहीं माना जाता है, इसलिए उत्तर होगा स्कैनर। अगला सवाल है 43वां में पूछा गया है कि जो ऑफिस 2007 के अंदर जो MS वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन। तो फाइल एक्सटेंशन इसका होता है .docx। 2007 जो MS 2007 आया, इससे पहले जितने भी MS वर्ड के जो एक्सटेंशन थे वो थे DOC, डॉक में थे, और 2007 और उसके बाद वाले जितने भी है उनका एक्सटेंशन है DOCX, क्योंकि इसके अंदर XML फॉर्मेट है वो भी सम्मिलित कर दिया गया है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा .docx। बाकी जो फॉर्मेट दे रखें जिसमें .txt, तो आप जैसे कंप्यूटर में नोटपैड खोलते हैं तो नोटपैड की फाइल है वो .txt में खुलेगी। इसी प्रकार PDF है, तो PDF जनरली शेयर करने के लिए हिसाब से बनाया गया था, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है जिससे हम सभी परिचित हैं। अगला सवाल है 44वां सवाल जनरली कम्युनिकेशन के पर्पज़ से पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि भाई 2014 अप्रैल तक कितने सैटेलाइट भारत द्वारा छोड़े गए। तो ये बेतुका सवाल है और आज की तारीख में रिलेवेंस नहीं है, उस समय जो इसका आंसर था वो 74 था, पर आजकल बहुत सारे सैटेलाइट हम विदेशी सैटेलाइट भी छोड़ते हैं, तो ये हमारे काम का नहीं है। जनरली कंप्यूटर से और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशन हो रहे हैं उससे सवाल इसमें पूछे जाएंगे। अगला सवाल है 45वां। 45वें में पूछा गया कि इंटरनेट का क्या कार्य है। तो इंटरनेट का कार्य में ऑप्शन में देखें, रिसीविंग डेटा है बिल्कुल, सेंडिंग डेटा वो भी है, तो सेंडिंग और रिसीविंग डेटा दोनों है, मतलब सी ऑप्शन। तो हम अपलोड भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट और डाउनलोड भी कर सकते हैं, डेटा अपलोड कर सकते हैं, डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, तो इंटरनेट का कार्य है सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा बोथ। अगला सवाल है एप्लीकेशन ऑफ ICT क्या है, मतलब ICT के उपयोग क्या क्या है। तो ICT का ई लिटरेसी में उपयोग है, ई साक्षरता में उपयोग है, ई कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग है, कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तीसरा है ई गवर्नेंस, जो आजकल जो गवर्नेंस है वो पारदर्शी बनाने के लिए उसको ई गवर्नेंस कर दिया गया है, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो तीनों जो ऑप्शन है वो राइट है, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है 47वां। 47वें में पूछा गया है, ये एनर्जी और डेवलपमेंट से सवाल है, तो इसमें पूछा गया है कि भारत ने अपनी प्रथम भूमिगत न्यूक्लियर युक्ति का विस्फोट कहाँ किया। तो यह किया पोखरण में, जो कि जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। इसमें मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के तहत किया था, और फिर अगला जो ऑपरेशन है वो 90s के दशक में वापस किया था ऑपरेशन शक्ति के रूप में, तब तीन दिन लगातार विस्फोट किए थे, टोटल शायद 5 विस्फोट किए थे तब। अगला सवाल है 48वां। 48वें सवाल में पूछा गया है कि LPG का क्या घटक है।
तो एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसके घटक की बात करें तो ब्यूटेन और प्रोपेन इसके घटक हैं, ये हमें याद रखना है। साथ ही जो एलपीजी गैस के अंदर जो एक विशेष गंध मिलाई जाती है ताकि एलपीजी के लीकेज की पहचान कर सकें, तो वो होती है इथाइल मर्केप्टेन। जनरली मर्केप्टेन सवाल पूछा जाता है कि एलपीजी में कौन सी गंधयुक्त गैस मिलाई जाती है, वो होती है मर्केप्टेन। तो ब्यूटेन और प्रोपेन मेन एलिमेंट होते हैं और हल्की सी उसके जो लीकेज की पहचान के लिए उसके अंदर इथाइल मर्केप्टेन मिलाया जाता है। सीएनजी होती है वो, उसमें केवल मिथेन होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला सवाल है 49वां। 49वां में पूछा गया है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 में। 2 की रात थी और 3 की अर्ली मॉर्निंग थी, यानी कि मिडनाइट में हुई थी लगभग। और इसमें जो गैस स्रावित हुई थी वो थी मिक, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। इस गैस की वजह से हजारों लोग मारे गए थे भोपाल में। अगला सवाल है मरकरी वेस्ट से कौन सी डिजीज होती है? तो जनरली जो हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स ऐसे डिस्पोज कर दिए जाते हैं, तो इस वजह से ये बायो एक्यूमुलेशन के तहत जैसे मछलियों के अंदर ड्रॉप्सी हो जाता है और मानव में ये एक्यूमुलेट हो जाए तो इससे डिजीज हो जाती है, वो हो जाती है मिन्नामाटा। ये सबसे पहले जापान में हुई थी, वहाँ शायद मिन्नामाटा आइलैंड था, इस वजह से इसका नाम मिन्नामाटा डिजीज रख दिया गया। इसी प्रकार जो कैडमियम होता है, कैडमियम से रोग होता है, वो होता है इटाई। ये जनरली हैवी मेटल से जो दो बीमारियाँ हैं वो पूछी जाती है कि कैडमियम से इटाई होता है और मरकरी यानी कि पारे से क्या होता है, मिन्नामाटा रोग होता है। अगला सवाल है 51वां। 51वें सवाल में पूछा गया है कि जो नॉइज पॉल्यूशन हजार्डस कब हो जाता है? तो पहली चीज़ तो कि नॉइज पॉल्यूशन WHO ने बताया है कि 65 डेसिबल पर आवाज़ हो जाती है तो हो जाता है नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। और ये खतरनाक कब बन जाता है, घातक कब बन जाता है? जब ये हो जाता है 80 डेसिबल का। तो इसके लिए जो नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो मानक डिसाइड किए गए हैं उसमें 3 कैटेगरियाँ हैं, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। उसमें कॉमर्शियल के लिए अलग है, इंडस्ट्रियल के लिए अलग है और रेजिडेंशियल एरिया के लिए अलग है। रेजिडेंशियल एरिया में लोग सोते हैं और रहते हैं, इसलिए वहाँ पे जो डेसिबल का लेवल है और भी कम रखा गया है। जैसे कि इंडस्ट्री लेवल में 75 डेसिबल दिन में और रात में 70 डेसिबल, इस प्रकार कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल के लिए भी रखा गया। अगला सवाल है 52वां। 52वें में पूछा गया है कि भाई ई वेस्ट होता है, ई वेस्ट को डिस्पोज करने का सबसे सेफ उपाय कौन सा है? तो जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है वो होता है ई वेस्ट। जैसे हमारा कोई मोबाइल ख़राब हो गया या फिर कोई कंप्यूटर ख़राब हो गया, कोई प्रिंटर ख़राब हो गया, तो हम ऐसे ही बाहर फेंक देंगे तो उसके अंदर हैवी मेटल्स वगैरह होते हैं, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाएंगे। अगर इनकी रिसाइकिलिंग की जाए, इनमें से जो ऐसे जो हैवी मेटल्स और जो कीमती धातुएं वगैरह हैं वो निकाल ली जाए तो वो कोई भी प्रदूषण नहीं करेगी और रिसाइकिलिंग करके वापस वो यूज भी हो जाएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। तो सबसे सेफ उपाय है रिसाइकिलिंग या पुनर्चक्रण, यानी पहला ऑप्शन। अगला सवाल है 53वां। जो 53वें से लेके 60वें सवाल तक पूछे गए हैं वो हायर एजुकेशन से पूछे गए हैं, 8 सवाल हैं। तो इसमें पूछा गया है कि भाई UGC एक्ट आया 2009 में, इसके अकॉर्डिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी ओपन हुई है? जनरली जो अभी वर्तमान में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो लगभग 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कुछ इस एक्ट आने से पहले से ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी और इस एक्ट आने के बाद जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनती है वो इसी एक्ट के तहत बनती है। तो उस समय जो इस एक्ट के तहत बनी थी वो 12 थी, पर आज ये इरिलेवेंट है क्योंकि नए डेटा आगे कुछ नई यूनिवर्सिटीज़ भी बन गई। वर्तमान में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? 54, जो इसका राइट आंसर होगा 12। अगला सवाल है 54वां। 54वें में पूछा गया है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है, बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है।
इसी प्रकार 55वां सवाल पूछा गया है, वो भी फैक्चुअल है। इसमें पूछा गया है कि पहली ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुई, तो देश की पहली ओपन यूनिवर्सिटी है वो आंध्र प्रदेश में स्थापित हुई और इसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। ये 1983 में इस्टाब्लिश हुई थी। इसी प्रकार जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू है वो 1985 में इस्टाब्लिश हुई थी। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी इस्टाब्लिश हो रखी है, वो हो रखी है कोटा में, लगभग 1987 में इस्टाब्लिश हुई थी। अगला सवाल है 56वां। 56वें सवाल में पूछा गया कि राजस्थान में जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है वो कहाँ स्थित है। पहले इनको रीजनल कॉलेज कहा जाता था, तो ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है ये अजमेर में स्थित है। ऐसे ऐसे 5 इंस्टीट्यूट है वो देश के अंदर खोले गए हैं। जो अपने वाला जो इंस्टीट्यूट है अजमेर वाला, वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान को सम्मिलित करते हुए इस रीजन का जो ये इंस्टीट्यूट है जो अजमेर के लिए। इसी प्रकार जो 4 है वो भोपाल, शिलोंग, मैसूर और भुवनेश्वर में खोले गए हैं। अगला सवाल है 57वां। 57वें में पूछा गया है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर सी भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय, पहली वुमेन्स यूनिवर्सिटी कब एस्टाब्लिश, मतलब कहाँ एस्टाब्लिश हुई, तो ये एस्टाब्लिश हुई थी मुंबई, बम्बई। उस समय बम्बई था तो 1916 में एस्टाब्लिश हुई, तब मुंबई का नाम बम्बई था इसलिए कोष्टक में लिखा है। अगला सवाल है 58वां। 58वें सवाल में पूछा गया है कि भारत की पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ एस्टाब्लिश हुई, तो भारत की पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी है वो एस्टाब्लिश हुई है मध्य प्रदेश में। और राजस्थान के अंदर बात की जाए तो राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी उदयपुर में स्थापित हुई थी 2012 में, उसका नाम चेंज करके गुरु गोविंद सिंह ट्राइबल यूनिवर्सिटी किया गया 2016 में, और उसका जो हेडक्वार्टर है उदयपुर से बांसवाड़ा शिफ्ट कर दिया, और वर्तमान में जो सेट का पेपर है GGTU ही आयोजित करवा रही है। अगला सवाल है 59वां। 59वें सवाल में पूछा गया कि टीचर एजुकेशन कोर्स है वो रिकॉग्नाइज्ड कौन करता है, जैसे हमारे जो रीजनल इंस्टीट्यूट है इसका भी सहसंबंध कहाँ है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से। तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है वो क्या करती है, टीचर एजुकेशन कोर्सेज को रिकॉग्नाइज करती है। किसी भी कॉलेज में अगर टीचर एजुकेशन की मान्यता चाहिए तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा दी जाती है। ये लगभग 1995 में एस्टाब्लिश हुई थी। और लास्ट सवाल है, उसमें पूछा गया है कि टेक्निकल कोर्स है वो जनरली मैनेज किसके द्वारा होते हैं, तो जो सारे के सारे जो कॉलेज वगैरह है वो तो UGC के द्वारा होते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, पर जो टेक्निकल जो कोर्सेज होते हैं वो UGC के साथ साथ AICTE की भी मान्यता जरूरी है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की मान्यता भी जरूरी है। जैसे इंजीनियरिंग कोर्सेज में, पहले फार्मेसी कोर्सेज में भी मान्यता के लिए AICTE की भी आवश्यकता थी, अभी वर्तमान में पता नहीं। इसके अलावा जो ऑप्शन दे रखे ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये एम्स जैसी संस्थानों पर नियंत्रण रखता है। इसी प्रकार DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, ये भी जो साइंस एजुकेशन में जो इनोवेशन होते हैं उसके लिए कुछ नए नए इनोवेशन लाता रहता है, और UGC से हम सब परिचित हैं। तो हायर एजुकेशन के जो सवाल आते हैं उनमें आपको एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर फोकस करना है, उसकी जो हाईलाइट है बुलेट पॉइंट्स है वो देख लें, कैसा सिस्टम है, कौन कौन सी इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश होने वाली है और ये कब लागू की गई है। इसके साथ ही जो संस्थाएं हैं, जो मेन संस्थाएं, उसमें भी राजस्थान की एक दो संस्थाएं जरूर पूछेंगे, जैसे कि रीजनल इंस्टीट्यूट पूछा, तो जो मेन हायर एजुकेशन की संस्थाएं कौन कौन सी है, उनके मुख्यालय और उनकी स्थापना कब हुई, ये ध्यान रखना है। साथ ही भारत के अंदर जो मुख्य मुख्य इंस्टीट्यूट है उनकी भी सूची, और साथ में एक क्रोनोलॉजी बना देनी है कि भाई भारत में हायर एजुकेशन में कब से क्या हुआ। लगभग 1857 में जैसे कि मद्रास और बम्बई और कोलकाता में यूनिवर्सिटी एस्टाब्लिश हुई थी उस एक्ट के तहत, तो उसके बाद में जो 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 कोठारी आयोग आया, 1986 की शिक्षा नीति आई, तो इस प्रकार आपको एक क्रोनोलॉजी बना देनी है, और उस क्रोनोलॉजी को याद करते हुए आप एक दो सवाल जरूर पाएंगे हायर एजुकेशन में।
तो इस पेपर में आपको जो रीजनिंग के सवाल है, पैसेज के सवाल है और डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए इनको थोड़ा पहले करना है, पर समय का ध्यान रखते हुए। अगर आपकी स्पीड इतनी सही नहीं है तो पहले आप दूसरे सवाल करिए, क्योंकि अगर आपकी स्पीड कम है और रीजनिंग में आप कमज़ोर हैं तो आपको दूसरे ऑप्शन करने चाहिए। पर कोई भी ऑप्शन खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सारे के सारे ऑप्शन भरने हैं। कुछ थोड़ा बहुत समय बचे और लगे कि अब बहुत सारे गोले भरने हैं, तो सारे गोले आप अपने हिसाब से भर दें, उचित रहेगा। 25% जो गोले होंगे वो तो सही होंगे। सभी को ऑल द बेस्ट सेट एग्ज़ाम के लिए और नेट एग्ज़ाम के लिए भी। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए वीडियो को, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू अगेन।